जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर शामिल है, आजाद उम्मीदवार असेंबली जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं कि उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था और आज जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ देर पहले बताया गया था कि ये फैसला महफूज किया गया है, अब फैसला सुना दिया गया है। जवार का आदमी से जानते हैं, जवार बताइएगा जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल सरगोधा जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को पेश किया गया था, जहां इनकी दरख्वास्त जमानत गुजारी गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने अभी इनकी जमानत मंजूर कर ली है और उम्मीद है इनको आज शाम सरगोधा जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जैसे ही इनकी जमानत की खबर अदालत से बाहर आई तो कारकुनान ने भंगड़े डालना शुरू कर दिए, इन्होंने यहाँ मिठाई बांटना शुरू कर दी और कारकुनान शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं गौ नवाज को। और कारकुनान का कहना था कि हमेशा हक और सच की फतह होती है, और ऐसे ही हमारे मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती ने भी गरीबों के लिए आवाज बुलंद की है और इनको हर मकाम पे इंशाल्लाह फतह मिलेगी। वकला का ये कहना था जजेस साहिबान से कि ये सियासी मुकदमा है, इसका कानून से कोई लेना देना नहीं और ये सियासी बुनियाद पर कायम किया गया है। जजेस साहिबान को आगाह किया गया, दलाइल दिए गए, जिस पर फाजिल जज ने आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली है। जी शुक्रिया जवार काजमी अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई है, उन्हें सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज शुदा फैसला अदालत ने सुना दिया है और 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके के एवज जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली गई है।